नमस्कार, विंध भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवपुर जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जिला प्रशासन एवं पुलिस से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने इसके लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह भैंस को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें एक निरंकुश शासन बता दिया है। पिछले दिनों शिवपुरी जिले में पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जिले के अंदर होने वाले ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की सहमति के बाद ही किए जा सकते हैं, परंतु शिवपुरी में प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। जब उन्होंने इसकी फाइल तलब की तो वह भी नहीं भेजी गई। उन्होंने जिन पुलिस अधिकारियों के लिए माना किया था उनका भी ट्रांसफर हो गया। इस बात से नाराज होकर उन्होंने 29 अगस्त को कलेक्टर का पत्र लिखा, परंतु कलेक्टर ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी बात से प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया नाराज हो गए। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी के तहत प्रभारी मंत्री की सहमति के बिना कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। शिवपुरी के एसपी राजेश सिंह चंदेल का बयान सामने आया। उनका कहना है कि कई बार इमरजेंसी में ट्रांसफर करने पड़ते हैं, ट्रांसफर पॉलिसी में क्या लिखा है बात दिखा देते हैं। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि प्रभारी मंत्री से बात हो गई है, प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अंदर की बात क्या है या तो सिसोदिया ही जाने, परंतु 15 अगस्त 2022 को शिवपुरी के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ध्वजारोहण नहीं किया था, जबकि शासन द्वारा निर्धारित किया गया था कि वह शिवपुरी के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। इससे पहले भी श्री सिसोदिया ने एक बार ध्वजारोहण नहीं किया था, वह गुना से ही वापस लौट गए थे। इस बार शिवपुरी आ गए थे, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, फिर भी ध्वजारोहण नहीं किया। कहा जाता है कि प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और स्थानीय विधायक और सेमिनार कैबिनेट मिनिस्टर यशोदा राजे सिंधिया के बीच कुशल व्यवहार नहीं है। शुरुआत में उन्होंने स्थानीय विधायक और स्थानीय भाजपा के नेताओं को पार्टी की नीति के अनुसार महत्व नहीं दिया और स्वयं को शिवपुरी का श्रीमंत घोषित करने की कोशिश की। बताया जा रहा है जो कुछ भी हो रहा है वह इसी कारण से हो रहा है। कहते हैं शिवपुरी में आज तो पंचायत सचिव सिसोदिया को नहीं सुनता।